क्लास टेंथ के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पेपर देते समय कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर देते समय भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, यानी ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके 95% अंक बिल्कुल पक्का आएंगे। पेपर देने से पहले यह वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपसे हो सकता है गलती हो जाए, तो उन गलतियों को आपको सुधारना है और सबसे पहले तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, OMR सीट आपको सावधानी पूर्वक भरना है, और OMR सीट भरते समय आप काला पेन का प्रयोग करेंगे और OMR सीट पर आप किसी भी तरह का काट पेट नहीं करेंगे, और ना ही आपको व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही इरेजर का, और ना ही उसे खुरचना है किसी भी परिस्थिति में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि OMR सीट एवं जो उत्तर पुस्तिका होती है उसे आपको साफ साफ अक्षरों में भरना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो OMR सीट का नमूना, तो कुछ ऐसी ही होगी आपकी OMR सीट। और इसे भरते समय आपको क्या ध्यान में रखना है कि जैसे यहां पर जिला कोड या नाम हो सकता है भरा हुआ मिले, यदि नहीं मिलता है तो आपको अच्छे से भरना है। यहां पर केंद्र का कोड, यहां आपका रोल नंबर भरा जाएगा, यहां विषय कोड या नाम, और साथ ही साथ यहां पर प्रश्न पत्र संख्या, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से भरना है। किसी भी परिस्थिति में आपको यहां पर काट पीट नहीं करना है। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका को साफ साफ आपको भरना है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरनी है, उसमें कटिंग ओवरराइटिंग कदापि नहीं करनी है। जी हां, आप इसमें किसी भी परिस्थिति में कटिंग नहीं कर सकते, ओवरराइटिंग नहीं कर सकते, व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। उत्तर पुस्तिका पर लिखते समय लाल और हरा या अन्य कलर के पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप सिर्फ और सिर्फ काला पेन और नीले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और OMR सीट को आपको काले बाल पॉइंट वाले पेन से ही भरना है। OMR सीट को आपको किस पेन से भरना है, काले बाल पॉइंट वाले पेन को, इस सीट को आपको काले पेन से भरना है, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और उत्तर पुस्तिका का जो पहला पेज होगा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो उत्तर पुस्तिका का पहला पेज, यहां पर जैसे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको अच्छे और साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है, किसी भी तरीके की ओवर राइटिंग या काटपीट नहीं करनी है, शब्दों में भी अच्छे से लिखना है, विषय प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक सब कुछ आपको अच्छे से भरना है, परीक्षा का दिन तिथि एवं पाली आपको अच्छे से भरना है, और केंद्र का नाम आपको अच्छे से भरना है। और साथ ही आपको क्या करना है कि यहां पर किसी भी परिस्थिति में काटपीट नहीं करनी है। तो उत्तर पुस्तिका पर लिखते समय जब आप प्रश्नों का आंसर लिखेंगे तब आपको हरा या अन्य किसी कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ काला और नीले पेन का ही आप प्रयोग कर पाएंगे। अगला बिंदु आप ध्यान में रखेंगे कि पेपर देते समय कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी ना करें। पेपर देते समय जब आपका कॉपी का पहला पेज होगा उस पर आपको क्या नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में काट पीट नहीं करनी है पहले पेज पर, और ना ही गलत उत्तर लिखना है। जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है सिर्फ उसी प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे, बाकी आपको किसी भी परिस्थिति में काट पीट नहीं करनी है। और अगला आपको क्या ध्यान देना है, प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या लिख
लिखना आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया है बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखें, बोर्ड की कॉपी आप वीडियो भी देख सकते हो, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आप सभी को। तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखना होगा। और अगली बात है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि यहां पर है प्रश्न में जो पूछा गया है, यानी प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, जो प्रश्न में पूछा गया है उसी का उत्तर लिखना है, बाकी आपको अनाप शनाप कुछ भी नहीं लिखना है। और ये चीजें तो आप कभी मत करना, वरना आप बिल्कुल फेल ही हो जाओगे। जैसे कि आपने यदि गाना लिख दिया तो गाना आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, कसम वाली कोई बात हो गई तो ये भी आपको नहीं लिखना है, गालियां भी नहीं लिखनी है, या गलत शब्द इनका भी आपको प्रयोग नहीं करना है, या अपनी जात के बारे में लिखना ये भी आपको नहीं करना है। तो इन चीजों को यदि आप करेंगे तो आप पक्का फेल हो जाओगे, इसलिए आप ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और सबसे मुख्य बात क्या कि आपको अपना रोल नंबर जरूर लिखना है, कहां पर, ओएमआर शीट पर, और अपनी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी आपको वहां पर आपको अपना रोल नंबर जरूर लिखना है। और जो अटेंडेंस शीट आपको मिलेगी, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो अटेंडेंस शीट आपको मिलेगी जिस पर आपको हस्ताक्षर जरूर करने हैं, यदि आपसे हस्ताक्षर छूट गया तो आप माना जाएगा कि आपने पेपर नहीं दिया, तो आप हस्ताक्षर जरूर करिएगा जो अटेंडेंस शीट आपको मिलेगी। और साथ ही आप पेपर कोड और साथ ही आप सब्जेक्ट कोड और सिग्नेचर वगैरह आप कर ही लेंगे, जहां पर सिग्नेचर कराए जाएंगे आपको वहां पर सिग्नेचर करना ही होगा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी अनुपस्थिति हो जाएगी, यानी आपने पेपर नहीं दिया। तो आपसे जहां हस्ताक्षर कराए जाए आप हस्ताक्षर जरूर कर देना अटेंडेंस शीट पर, और साथ ही साथ अपना रोल नंबर अच्छे से भर देना जहां आपको भरना है, जैसे ओएमआर शीट में, और साथ ही उत्तर पुस्तिका में आपको ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका में आपको रोल नंबर भरना होगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतनी है 2023 बोर्ड एग्जाम देते समय। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पक्का पास हो जाएंगे, और यदि आप इन चीजों को नहीं बरतते, यानी ये सावधानियां ये गलतियां आपसे हो जाती हैं, तो आप फेल हो सकते हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।